आओ झूमे गाए मिलके धूम मचाए हो आओ झूमे गाए मिलके धूम मचाए। नमस्कार दोस्तों, अ वेरी वॉर्म गुड इवनिंग टू वन एंड ऑल। आप सभी का आज के शाम के इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। चेंबर ऑफ टैक्स कंसल्टेंट्स की तरफ से आपका निवेदक सुरेश सुब्रमण्यन आप सभी को आज के इस शाम के रंगारंग कार्यक्रम में स्वागत करता है, जिसका नाम है आओ झूमे गाएं पार्ट टू। कार्यक्रम की शुरुआत से पहले पिछले हफ्ते 29 मई को जो इसका पार्ट वन हुआ था उसकी कुछ झलकियां पहले देख लेते हैं। लगी आज सावन की फिर वो झड़ी है, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। ओ खाई के पान बनारस वाला खुल जाए बंद अटल का ताला। हम आपकी आंखों में इस दिल को बसा दे, चांद के पलकों को इस दिल को सजा दे। तो बने चाहे दुश्मन जमाना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। सुन ले गम के कांटे, खुशियों के फूल खिलाए। तुमसे मिलने की तमन्ना है, प्यार का इरादा है और एक वादा है जानम। जानम देख लो मिट गई दूरियां, मैं यहाँ हूँ यहाँ हूँ यहाँ हूँ यहाँ। मुझे यकीन है आप सबको ये झलकियां पिछले शनिचर की याद दिलाएगी, और जिन लोगों ने देखा नहीं ये जो पिछले शनिचर को जो कार्यक्रम हुआ था वो हमारे YouTube चैनल में है, तो जरूर जाइएगा देखिएगा। मुझे लगता है आज अभी लगभग 600 व्यू हो चुके हैं, इसका मतलब है कि और लोग देखने के लिए उत्सुक जरूर होंगे, तो जरूर देखिएगा। और इस शाम के कार्यक्रम की शुरुआत अभी करते हुए मैं हमारे स्टूडेंट कमेटी की चेयरपर्सन और आप सबकी चहेती वर्षा गालवनकर उनसे निवेदन करता हूं कि वो आप सभी का स्वागत करें अपने लफ्जों में। वर्षा प्लीज वेलकम। हेलो एवरीवन, ऑन बिहाफ ऑफ चेंबर ऑफ टैक्स कंसल्टेंट्स मेंबरशिप एंड पब्लिक रिलेशन कमेटी एंड ऑल्सो ऑन बिहाफ ऑफ द स्टूडेंट कमेटी ऑफ द चेंबर ऑफ टैक्स कंसल्टेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू द सेकेंड पार्ट ऑफ द म्यूजिकल शो आओ झूमे गाए। होप यू ऑल हैव एंजॉयड द फर्स्ट पार्ट वेरी मच एंड नाउ वी आर ऑल लुकिंग फॉरवर्ड टू द सेकेंड पार्ट विद द ग्रेट वेरी पॉजिटिव एंकरिंग अगेन बाय सुरेश एंड इक्वली ग्रेट सपोर्ट ऑन टेक्निकलिटीज बाय आवर दिनेश जी। एंड आई होप यू ऑल विल एंजॉय, मेनी नाइस एक्साइटिंग सॉन्ग्स आर हियर एंड लुक फॉरवर्ड टू हैव अ ग्रेट शो। वेलकम वंस अगेन, थैंक यू। थैंक यू वर्षा, and we really look forward to a wonderful evening of music and entertainment. चलिए संगीत की तरफ बढ़ते हैं। पिछले कार्यक्रम में जब मैंने अंत किया था मैंने कहा था कि राजेश रोशन जी का संगीतबद्ध किया हुआ जो गीत है फिल्म इनकार से, उषा मंगेशकर का गाया हुआ जो गीत था जो राधा हड़बे आपके सामने लाई थी, तब मैंने कहा था कि राजेश रोशन जी के और भी गाने हैं जो अगले शो में आएंगे। तो चलिए शो की शुरुआत करते हैं। ओपनिंग बैट्समैन आज के लिए हमारे प्रेसिडेंट हैं, तो सही मायनों में संगीत भी उन्हीं का होना चाहिए सबसे पहले। तो चलिए फिल्म प्रियतमा से
जो राकेश रोशन पर फिल्माया गया था, बहुत ही बढ़िया गीत है किशोरदा का, वो लेकर आ रहे हैं अभी अनिश ठक्कर हमारे प्रेसिडेंट, सेट म्यूजिक पर राजेश रोशन। Thank you.
Anish, that was so wonderful. Excellent singing. And really enjoyed this. And I think jo effects create kiye gaye hain piche se jo samandar ki lehre aa rahe hain, we should credit Anand, who's been the technical support for us in creating some wonderful videos for this show. So he is called Vivekanand Iyer, but unko Anand ke naam se jante hain. Dinesh Tejwani ji ke netritv mein Anand ne ye sare videos banaye the jo abhi aap dekhoge. To wonderful Anish, great start to the show. Chaliye aage badhte hain. Maine pichli baar kaha tha pyaasa ke bare mein jab baat ki thi, that is it is one of the 100 best films of the world in the last 100 years as selected by Time magazine. To Gurudutt saab ki baat karte hain, to Gurudutt saab ki team thi, jaise direction ke liye Raj Khosla unke team mein the, sangeet ke liye Barmanda the, Hemanda the, aur Abrar Alvi the jo writer hain wo unke team mein the. To they were all called as Gurudutt team. One such person who was there in Gurudutt's team was Biren Nag. एक आर्ट डायरेक्टर थे, वो उनके कई सारी फिल्में जैसे चौदहवीं का चांद है, साई बीबी और गुलाम, ऐसे कई सारी फिल्मों में उन्होंने काम भी किया है. तो बीरेन नाग आई थिंक ही डायरेक्टेड ओनली टू मूवीज इन हिज लाइफ टाइम. ही हैड अ वेरी शॉर्ट लाइफ स्पैन. आफ्टर ही डायरेक्टेड दोस टू मूवीज ही पास्ड अवे. उन्हीं की डायरेक्शन में एक फिल्म आई थी 20 साल बाद. हेमंत कुमार जी ने प्रोड्यूस भी किया था, उन्होंने गाया भी था, गीत भी लिखे थे उन्होंने. तो दिस वॉज अ ब्यूटिफुल मूवी एंड इन म्यूजिकली ऑल्सो इट वॉज वन ऑफ दोज मोस्ट वंडरफुल मूवीज. तो हेमंता की आवाज में ये 20 साल बाद से एक गाना भी लेके आ रहे हैं. मैंने पिछली बार आपको बताया था कि हमने एक ऑडिशन किया था कि जो ऑलरेडी पिछले शोज में जो गा चुके थे उनके अलावा नए सिंगर्स को लाने के लिए हमने एक ऑडिशन राउंड किया था. तो उस ऑडिशन राउंड से एक जो सिंगर थे कार्तिक, पिछले शो में उन्होंने गाया था. तो हमारे यहाँ एक अहमदाबाद से एक एडवोकेट रूपेश शाह, उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया था, उनको अभी इस शो में पहली बार गवा रहे हैं. सो आवर डेब्यूटेंट इन चेंबर शो रुपेश शाह फ्रॉम अहमदाबाद ब्रिंग्स यू दिस अमेजिंग नंबर ऑफ हेमंदा फ्रॉम 20 साल बाद. रुपेश जी आइए. देखिए वो काली काली बदलिया जुल्फ की गजा चुरा न ले कहीं, चोरी चोरी आंखें छोट निकलिया आपकी अदा चुरा न ले कहीं, यूं कदम अकेले न आगे बढ़ाइए आपको हमारी कसम लौट आई. I'm not
मुस्कुराइए, आपको हमारे कसम आइए, एक हार करके हमें भूल जाइए, आपको हमारे कसम आइए, एक हार करके हमें भूल जाइए, आपको हमारे कसम बहुत बढ़िया। एंड मुझे यकीन है आगे चलते चलते आपकी कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाएगी और हमारे चेंबर के प्लेटफॉर्म में आप और भी गाएंगे, और आपके संगीत के इस जर्नी में हम आपको शुभकामनाएं देते हैं। वी विश यू ऑल द बेस्ट फॉर मेनी मोर सच अपॉर्चुनिटीज टू सिंग। वंडरफुल, चलिए आगे बढ़ते हैं। अमिताभ बच्चन और मोटरसाइकिल वाले गाने ये बहुत सारे हैं, जैसे रोते हुए आते हैं सब, मुकद्दर का सिकंदर, और ऐ यार सुन यारी तेरी, मेरे ख्याल से दैट वाज फ्रॉम सुहाग, इज़न्ट इट? सो मोटरसाइकिल वाले गाने बहुत सारे हैं, बट नन बेटर देन द वन फ्रॉम शोले विद धर्म जी, दैट आइकॉनिक सॉन्ग ऑन फ्रेंडशिप। तो फ्रेंडशिप की बात करें, दोस्ती की बात करें, तो पिछले शो में एक गाना था दोस्ती के बारे में, बने चाहे दुश्मन, अगेन अमित जी पर फिल्माया गया था, विच आई सैंग विथ योगेश। तो हमारे जो ओपनिंग बैट्समैन पिछले शो में थे हितेन शाह, उनके साथ में जो बनारसी पान खाए हुए जो थे रश्मिन मेहता, ये दोनों मिलके अभी आपके सामने शोले से वो जो गाना है किशोरदा का और मन्नादा का गाया हुआ। मन्नादा का बर्थडे था पिछले महीने, मतलब मे फर्स्ट वी हैड मन्नादा बर्थडे, एंड इनफैक्ट पिछले महीने में मैंने एक शो भी किया था मन्नादा के गानों का, 102 नॉट आउट All songs of Mannada। तो मन्नादा का याद करते हुए पंचमता के संगीत में शोले से ये गाना अभी आपके सामने लेके आ रहे हैं हमारे पिछले शो के ओपनिंग बैट्समैन और जो बनारसी पान वाला जो अपने मित्र थे हितेन एंड रश्मिन। वेलकम। हम नहीं तोड़ेंगे, तो
अरे हो जुदा या कबाए खुदा दे दुआ ऐसा हो नहीं। खाना पीना साथ है, मरना जीना साथ है। खाना पीना साथ है, मरना जीना साथ है, सारी जिंदगी ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे हम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। And Rashmin, that was really wonderful. And आपने देखा होगा जो अमिताभ बच्चन मोटरसाइकिल में जैसे जा रहे थे उसी रास्ते से ये लोग दोनों भी जा रहे थे और उसी रास्ते में गा भी रहे थे। बहुत बढ़िया था, it was the entire picturization and the singing, really nice, excellent. So once again thanks to Dinesh and thanks to Anand for putting up these wonderful videos. मैं जब से चेंबर से जुड़ा हुआ हूं और जब से गा रहा हूं तो पिछले साल भर से तो मैं सुन रहा हूं कि मुझे वर्षा के साथ में गाना चाहिए। ये एक डिमांड मैंने कई बार सुना है, तो वर्षा तो आप सबकी चाहती हैं, तो जो दोस्ती की श्रृंखला है उसको आगे बढ़ाते हुए एक फिल्म आई थी जहां पे वो फ्रेंड वाला कैप है ना, दैट बिकेम वेरी फेमस। यस, सलमान खान मूवी मैंने प्यार किया, तो एसपी बाला सुब्रमण्यम एंड लता मंगेशकर, इट्स अ कॉम्बिनेशन विच इज गिवन सम अमेजिंग हिट्स नॉट ओनली फ्रॉम दैट मूवी एल्सवेयर टू। तो उनका गाया हुआ जो गीत है मैंने प्यार किया से, सेट टू म्यूजिक बाय राम लक्ष्मण, आई थिंक राम लक्ष्मण पास अवे दिस मंथ। दैट मूवी वाज प्रोड्यूस्ड बाय ताराचंद बड़जात्या, ताराचंद बड़जात्या'स बर्थडे वाज आल्सो इन द मंथ ऑफ मई। तो वो जो मई की श्रृंखला है, आओ जून में गाएं, आओ मई में गाएं, वो श्रृंखला है, उसी को आगे बढ़ाते हुए और दोस्ती की श्रृंखला आगे बढ़ाते हुए ये फिल्म मैंने प्यार किया से गाना लता दीदी का और एसपीबी का गाया हुआ मैं और वर्षा अभी आपके सामने लेके आ रहे हैं। जैसे मैंने पिछली बार भी बताया था, क्योंकि डुएट्स में हम लोग मिल नहीं पा रहे हैं, तो वी हैड ऑल दीज थिंग्स डन ऑन दी एप प्लेटफॉर्म्स लाइक यू नो स्म्यूल एंड स्टार मेकर, तो उसको फिर एडिट करके एक अच्छी सी वीडियो बनाई है हमारे आनंद ने। तो ये गाना अभी आपके सामने लेके आ रहे हैं मैं और वर्षा, होप यू एंजॉय दिस। आजा शाम होने आई, मौसम ने ली अंगड़ाई। आजा शाम होने आई, मौसम ने ली अंगड़ाई। तो किस बात की है लड़ाई, तू चल की है लड़ाई, तू चल मैं आई। नो नो, तू चल मैं आई।
तेरी की अब तो जान पे बन आई ये है प्यार की गहराई अब तो जान पे बन आई ये है प्यार की गहराई तो किस बात की है लड़ाई तू चल तेरी की तो कर दो सबको तुम गुड बाई मैंने प्यार दिया मैं आई कर दो सबको तुम गुड बाई मैंने प्यार दिया मैं आई तो किस बात की है लड़ाई Make it fast तू चल मैं आई तू चल मुझे यकीन है आप सबको ये पसंद आया होगा हालांकि मैं मेरी अपनी सोच ये है कि डुएट फिल्म करने के लिए डुएट रिकॉर्ड करने के लिए हम सिंगर दोनों जो हैं आमने सामने होना चाहिए द केमिस्ट्री इज समथिंग टोटली डिफरेंट पर करें क्या लॉकडाउन ने हम सबको बेबस करके रखा हुआ है तो ये दिस इज व्हाट वी डिड थ्रू स्म्यूल ऐप एंड वंडरफुल वर्षा इट वॉज एंजॉयबल सिंगिंग विद यू थैंक यू वेरी मच चलिए आगे बढ़ते हैं पिछली बार मैंने कहा था कि बलराज सहनी साहब का बर्थडे जो था ही वुड हैव बीन 108 इफ ही वाज अलाइव विद अस नाउ तो वी हैड सम सॉन्ग्स ऑफ फिल्म्स ऑन व्हिच इन व्हिच बलराज सहनी साहब एक्टेड तो एक और फिल्म आई थी मेरे हमसफर जिसमें जितेंद्र और शर्मिला ठाकुर भी थे तो कल्याण जी आनंद जी के संगीत में मुकेश जी और लता दीदी का गाया हुआ एक गीत है वेरी 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 मेमोरेबल सॉन्ग वेरी ब्यूटिफुली कंपोज सॉन्ग तो पिछले कार्यक्रम में जो गाए थे सोलो गाए थे संजय गांधी और परीता शाह ये दोनों अभी आपके सामने मेरे हमसफर का ये डुएट मुकेश जी और लता दीदी का गाया हुआ ये अभी आपके सामने लेके आ रहे हैं
किसी हाल में किसी बात पर कहीं चल न देना तू छोड़ कर मेरे हम सफर मेरे हम सफर मेरे हम सफर मेरे हम सफर एक्सेलेंट परफॉर्मेंस और जरूर अपने अपने कमेंट्स भेजते रहिएगा इनके सपोर्ट में और आगे चलते हैं और भी गाने आएंगे आपको और भी आपका रोमांचक मनोरंजन आपके लिए प्रस्तुत है। एक कहानी है महाभारत से कि जैसे हम जानते हैं युधिष्ठिर जो हैं वो सत्य के लिए माने जाते थे सही काम के लिए माने जाते थे। हालांकि ये हुआ था कि महाभारत की जो मतलब बैटल फील्ड में उनको एक आधा सच बोलना पड़ा जिसकी वजह से आचार्य द्रोण की मृत्यु हुई थी। तो ऐसे ही एक बार हुआ था कि जब उनका अज्ञातवास हुआ था पांडवों का जब अज्ञातवास हुआ था तो दे हैड टू गो टू अनदर किंगडम फॉर रिफ्यूज बिकॉज दे हैड टू स्टे इन डिसगाइज। तो डिसगाइज में अगर रहना है तो मेरी अपनी पहचान मुझे छुपानी होगी। सो ही अज्यूम्ड द फॉर्म ऑफ अ ब्राह्मण टू हेल्प द किंग ऑफ विराट एंड उनका नाम था कंक। युधिष्ठिर वॉज वेरी श्रूड तो वो जो सच जो था उसको इस तरीके से मरोड़ा गया कि ताकि जो बोल रहे हैं वो भी सच हो और जो उनको कहना चाहिए वो भी सही हो। तो उस हिसाब से ही वेंट एंड ही वॉज देयर फॉर वन ईयर विद महाराज ऑफ विराट एज कंक। तो कंक से मुझे याद आती है देयर वॉज अ मूवी मेड कभी अलविदा ना कहना कंक। सो लाइक दैट देयर वॉज अ वेरी श्रूड फिल्म मेकर। उनको पता है कि फिल्म फेयर अवार्ड कैसे जीता जाता है और बहुत सारे
सेलिब्रिटीज हैं जो उनके साथ कॉफी पीना चाहते हैं, हालांकि आजकल कोई पानी पीने के लिए भी जाता है कि नहीं पता नहीं मुझे, तो आई एम टॉकिंग अबाउट करण जौहर. यू ऑल गेस्ड इट राइट. सो करण जौहर हैड दिस नैक ऑफ मेकिंग मूवीज विच विल विन फिल्म फेयर अवार्ड. सो कंक, कभी अलविदा ना कहना, दैट वॉज ऑल्सो मूवी लाइक दैट. तो कंक, द म्यूजिक इन कंक, इट वॉज सेट बाय शंकर एहसान लॉय एंड देर वॉज अ ब्यूटिफुल सॉन्ग, वेरी फेमस सॉन्ग मितवा. That song was sung by Shafqat Amanat Ali. Now, that song from Kank, I bring before you. This is my solo. I told you last time that I'll come with a solo. This is my solo for you. I hope you enjoy. जानिए जानिए मेरे मन ये बता दे तू किस ओर चला है तू, क्या पाया नहीं तूने, क्या ढूंढ रहा Oh, oh, oh.
आपके प्रोत्साहन से उम्मीद है ऐसे ही गाता रहूंगा, आपका मनोरंजन करता रहूंगा, तो रियली थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू। चलिए आगे बढ़ते हैं। पिछली बार जब हमारे इमीडिएट पास्ट प्रेसिडेंट विपुल चोक्सी, उनका एक डुएट था राधा के साथ में, तो उसके बाद में एक कविता मैंने पढ़ी थी जिसको लिखा था विपुल की वाइफ ने, पल्लवी जी ने, उन्होंने लिखा था, एंड वंडरफुल ब्यूटिफुल कविता ऑन आवर चेंबर म्यूजिक शो। तो तब मैंने एक चैलेंज दिया था विपुल को कि भैया अगले शो में तुमको शायरी करना है। तो अभी इस बार विपुल को अपने सोलो गाने के लिए पल्लवी के कहने पे ये गाना फिल्म बॉबी से लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी के संगीत में शैलेंद्र सिंह का गाया हुआ, ये विपुल का जवाब है पल्लवी की कविता के लिए। कह रहे कि भैया मैं शायर तो नहीं हूं लेकिन तुम इतनी हसीन हो जब से देखा, बाकी तो आप जानते हैं। तो आपको यह भी बता दूं कि विपुल और पल्लवी जी के का जो वेडिंग एनिवर्सरी है अभी 2-3 दिन पहले हुआ था। सो हियर इज विशिंग बोथ ऑफ देम अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस एंड विद दिस सॉन्ग विच विपुल ब्रिंग्स टू अस फ्रॉम द फिल्म बॉबी। Oh,
प्यार का नाम मैंने सुना था, मगर प्यार क्या है ये मुझको नहीं थी खबर। मैं उलझा रहा उलझनों की तरह, दोस्त तो मैं रहा दुश्मनों की तरह। मैं दुश्मन तो नहीं, मैं दुश्मन तो नहीं, मगर हसी जब से देखा मैंने तुमसे, शायद तो नहीं। सोचता हूँ अगर मैं दुआ मांगता, हाथ अपने उठा कर मैं क्या मांगता। सोचता हूँ अगर मैं दुआ मांगता, हाथ अपने उठा कर मैं क्या मांगता। जब से तुझसे मोहब्बत करने लगा, अब तुझे से इबादत में करने, मैं काफिर तो नहीं, मगर हसी जब से देखा मैंने तुझको बन गई याद। मैं शायद तो नहीं, मगर बहुत बढ़िया। और मैं आपको बता दूं कि राज कपूर जी का निधन 2 जून को हुआ था, तो ये इन अ वे वी आर आल्सो ऑफरिंग आवर ट्रिब्यूट टू दिस ग्रेट शोमैन ऑफ बॉलीवुड। विपुल, एक्सेलेंटली डन, एंजॉय। पिछले शो के समय जब वर्षा के बारे में कमेंट्स आए थे, शो में भी कमेंट्स आए थे, उसके बाद में भी कई सारी फरमाइशें आई, तो जो हमारी लास्ट शो था, लास्ट ईयर की का जो शो था, कारवां का जो गाया गाना लता दीदी का गाया हुआ, वर्षा ने गाया था, तो कई सारे लोगों ने कमेंट भी दिए थे फेसबुक में, और उसके बाद में भी मैसेजेस आए कि लता बनी आशा, क्योंकि लता दीदी के जो गाने गाते थे, गाती हैं वर्षा, आशा ताई के भी गाने उतनी ही अच्छी गा लेती हैं। तो फरमाइश आई थी कि कारवां से ही जो आशा ताई का गाया हुआ गीत है पंचमदा के संगीत में, वही गाना वर्षा को गाना चाहिए। तो आप सबकी चहेती वर्षा अभी हमारे सामने आ रही हैं कारवां फिल्म से, ये गाना लेके पंचमदा के संगीत में, विच इज वन ऑफ दोस ऑल टाइम हिट्स ऑफ आशा भोसले। वर्षा, द शो इज, द फ्लोर इज ऑल योर्स। Hi, hi, hi.
है तुम बहु को बहु मेरे मिलते साजना सच्चे के झूठे है होठों को होठों से कहने दे साजना नाना जो मिले है तुम बहु को बहु मेरे मिलते साजना सच्चे के झूठे है होठों को होठों से कहने दे साजना नाना जो मिले है तुम हाय 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 साजना Varsha, there is no wonder why you are the darling of chamber singing programs. Excellent singing, बहुत ही बढ़िया. आशा ताई एंड लता दीदी का जो जो समागम है वो आप में बिल्कुल समाया हुआ है. तो एक्सेलेंट एंड आई एम श्योर ऑल ऑफ यू एंजॉयड दिस. प्लीज कीप ड्रॉपिंग योर कमेंट्स इन सपोर्ट ऑफ वर्षा, दिस सॉन्ग एंड ऑल द सॉन्ग्स टू कम. आई एम श्योर यू आर गोइंग टू हैव सम एक्सेलेंट एंटरटेनमेंट इवन एज वी गो अहेड. जो फरमाइशों का दौर है उसको आगे बढ़ाते हैं पिछले शो के बाद में. और भी कमेंट्स और भी फरमाइशें आई थी. कुछ लोग चाहते थे कि एक डुएट है जो मैंने पिछले शो में पेश किया था वो उसी तरह एक डुएट पेश किया जाए. तो हालांकि मुझे इच्छा नहीं थी लेकिन फरमाइश है, आप लोगों ने इच्छा की थी, बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा भी था. तो उस फरमाइश को आगे बढ़ाते हुए अभी आपके सामने एक लाइव डुएट जो ऐप में नहीं रिकॉर्ड किया गया है, एक लाइव डुएट पेश करने वाला हूं. तो दिस इज फ्रॉम द फिल्म काला पानी, अगेन राज खोसला साहब मूवी, कंपोज बाय सचिंदा, संग बाय रफी साहब एंड आशा. तो ये जो गाना है आपके सामने अभी लेके आ रहा हूं मैं विथ माई बेटर हाफ रजनी. आई एम श्योर यू गोइंग टू एंजॉय दिस एंड दिस इज अ सरप्राइज नंबर, नोबडी नोज अबाउट दिस सॉन्ग. Oh,
शुक्रिया आप सभी का कि आपने अपना प्रोत्साहन दिया, आपने कमेंट्स दिए। मेरी तरफ से और रजनी की तरफ से आप सबको नम्र नमस्कार, थैंक यू वेरी मच। एंड देव साहब और मधुबाला जी पर फिल्माया गया ये गाना, वन ऑफ द ऑल टाइम हिट्स एवर इन फैक्ट, सो रियली थैंक यू ऑल ऑफ यू। चलिए शो को आगे बढ़ाते हैं। दो लगभग रिटायर करने वाले चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, लगभग, हालांकि ये कह सकते हैं कि जो प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट है वो कभी रिटायर नहीं होता, फिर भी उम्र का तकाजा है तो उसके हिसाब से देखें तो टू नियरिंग रिटायरमेंट चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बात कर रहे हैं, तो क्या करेंगे? रिटायरमेंट प्लानिंग की बात करेंगे, इन्वेस्टमेंट प्लानिंग की बात करेंगे, क्या करेंगे? यही तो कर सकते हैं। नहीं, पिछले शो में आपने इनका एक डुएट देखा था, क्योंकि ये लोग रिटायरमेंट प्लानिंग की बात नहीं करते और क्योंकि ये लोग और कुछ, मतलब इन्वेस्टमेंट प्लानिंग ऐसा कुछ बात नहीं करते, ये बात करते हैं केवल संगीत, और संगीत के अलावा और कुछ नहीं करते। शायद इसी वजह से बात करते करते इनके बाल झड़ गए। जी हां, आपने सही पहचाना, मैं विजय और दिनेश की बात कर रहा हूं। तो विजय और दिनेश की जुगलबंदी आपने पिछली बार देखी थी, तो अभी दोनों अपने अपने इंस्ट्रूमेंट्स के एक सोलो लेके आ रहे हैं। पहले विजय। सो विजय इज कमिंग टू यू नाउ विथ अ ब्यूटिफुल कॉम्पोजिशन फ्रॉम अनदर करण जोहर मूवी, कल हो न हो। सो कल हो न हो टाइटल सॉन्ग विजय इज नाउ ब्रिंगिंग टू यू ऑन हिज कीबोर्ड। वेलकम विजय। Thank you.
was really, really excellent. Awesome performance. Really enjoyed this. And thank you all for your comments in support of Vijay. And we move ahead. So, jahan Vijay hai, Dinesh dur to ho nahi sakta. So, Dinesh is now bringing a different kind of a jugalbandi. We saw him last time with an instrument called melodica. So, this time he is a bringing a jugalbandi of melodica and a MIDI player. And this is a song from QSQT. Kayamat se kayamat tak. So, Chitragupji, music director we all know. Chitragupji had two sons, twins, Anand and Milind. So, Anand and Milind have composed a lot of songs in many films, of course, we all know that. So, Milind's birthday fell about, I think, 5-6 days back in the month of May. We had his birthday also. So, here is this song from QSQT, composed by Anand Milind. Originally, I think, sung by Udit Narayan, if I'm not mistaken, which is now going to be presented to you by Dinesh Tejwani on melodica and the MIDI player. Welcome, Dinesh. Thank you.
Dinesh, that was really, really excellent. Bahut maza aaya, bahut maza aaya. And once again, thank you to you for encouraging me to learn new things in technology as this show is panning out and putting me in touch with a lot of new ideas. So, hum apne aap ko saksham banate hain, atmanirbhar banate hain, trying to do different things in the field of music. Really excellent. And because of your leadership, you were able to get Anand to do these wonderful videos. Thank you very much. Dosti, Kishore Kumar, Amitabh Bachchan. Namuna to aapne dekh liya, pichle show mein dekha, is show mein dekha. To dosti par hi film aaya ga, ek film hai. You guess it right? Yarana. To Yarana, Amitabh Bachchan, Kishore Kumar, amazing songs, all composed by Rajesh Roshan. So we have Yogesh Thar, who joined me with a duet last time. Yogesh Thar is coming to us with a song from Yarana. And of course, last time also he had a friendship song. This time also he has a friendship song. Tere jaisa yaar kahan? Welcome Yogesh. तेरे जैसा यार कहां ऐसा याराना याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना तेरे जैसा यार कहां ऐसा याराना याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना मेरी जिंदगी सवारी मुझको गले लगा के बैठा दिया फलक पे मुझे खाक से उठा के मेरी जिंदगी सवारी मुझको गले लगा के बैठा दिया फलक पे मुझे खाट से उठा के यार तेरी यारी को मैंने तो खुदा माना याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना मेरे दिल की ये दुआ है कभी दूर तू न जाए तेरे बिना हो जीना वो दिन कभी न आए मेरे दिल की ये दुआ है कभी दूर तू न जाए तेरे बिना हो जीना वो दिन कभी न आए तेरे संग जीना यहाँ तेरे संग मर जाना याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना तेरे जैसा यार कहां ऐसा याराना याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना
योगेश दैट वॉज रियली नाइस एक्सलेंट सुपर बहुत मजा आया मुझे यकीन है ऑडियंस आप लोगों को भी पसंद आया होगा तो चलते हैं शो के आखिरी तीन गानों की तरफ एक फिल्म आई थी मई 1975 वॉज रिलीज खेल खेल में वन ऑफ दोस म्यूजिकल हिट्स ऑफ ऑल टाइम और मैंने पिछली बार कहा था कि यदि हम लोग प्रोग्राम को जून पर थीम करते तो शायद सारे के सारे जो गाने हैं पंचमदा के ही होते बिकॉज देयर इज नंबर ऑफ सॉन्ग एंडलेस नंबर ऑफ सॉन्ग्स कंपोज्ड बाय पंचमदा एंड ऑल ऑफ देम हिट आफ्टर हिट तो अभी थोड़ा जो आओ जून में गाए जूमें गाए झूमें गाए उस चक्कर में हमको एक वैरायटी मिला है इस शो में लेकिन पंचमदा से हम वंचित नहीं है पंचमदा से हम दूर नहीं है वी हैड सॉन्ग्स ऑफ पंचमदा अर्लियर ऑल्सो टूडे एंड वी हैड सॉन्ग्स ऑफ पंचमदा लास्ट टाइम ऑल्सो हियर इज अ पंचमदा कॉम्पोजिशन फ्रॉम खेल खेल में मैंने बताया था ऑडिशन में हम लोगों ने कुछ नए सिंगर्स को चुने थे लाइक हाउ वी हैड रूपेश शाह फ्रॉम अहमदाबाद हु जॉइंड अस दिस टाइम वी हैव शैलेश जोशी ही इज ऑल्सो आवर डेब्यूटेंट फॉर दिस शो ही इज सिंगिंग इन द चेंबर प्लेटफॉर्म फॉर द फर्स्ट टाइम आफ्टर द ऑडिशन राउंड्स सो हियर इज शैलेश जोशी ब्रिंगिंग यू अ शैलेंद्र सिंह सॉन्ग फ्रॉम खेल खेल में वन ऑफ दिस ब्यूटिफुल आई थिंक इट इज द फर्स्ट सॉन्ग इन द मूवी इफ आई एम नॉट मिस्टेकन तो आइए शैलेश जी हमने तुमको देखा तुमने हमको देखा ऐसे हमने
शैलेश दैट वॉज रियली नाइस एक्सलेंट गुड डेब्यू. मुझे यकीन है ऑडियंस को बहुत पसंद आया होगा और आप सबके कमेंट्स के लिए धन्यवाद. मैं चेंबर को तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि चेंबर के प्रेसिडेंट और जो कार्यकर्ता हैं जो संगीत के प्रोग्राम्स को मैनेज करते हैं आप सभी ने मुझे इस लायक समझा कि इस शो को कंसीव कर सकूं, इस शो के आइडियाज को कंसीव कर सकूं, गाने चुन सकूं, आप सभी को अपने हिसाब से मैं सुझाव दे सकूं कि ये आप गाइएगा. और आप सभी सिंगर्स को मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं क्योंकि आपने मुझसे कोऑपरेट किया. एंड रियली थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू फॉर गिविंग मी दी अपॉर्चुनिटी टू पुट अप दिस काइंड ऑफ वैरायटी प्रोग्राम फॉर यू. तो आगे चलते हैं और दो गाने आने हैं. टेक्नोलॉजी के बारे में मैंने बताई थी कि टेक्नोलॉजी के लिए जो मुझे इस ये दो शो कंपाइल करने में जो मजा आया है रियली इट इज अ लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर मी. वी विल मूव अहेड नाउ. करण जौहर द श्रूड अवार्ड विनिंग मूवी मेकर, तो उसने अपने राधा हल में ना जो एडवोकेट है उसको डांस फ्लोर पे ले किया है. तो राधा डांस फ्लोर पे गई तो उसके लिए गाने वाले लोग तो कम नहीं है. तो तेज जिसने अपने लिए पिछले शो में वीर जारा का जो गाना गाया था तेज ने बोला मैं भी डांस फ्लोर पे आ जाता हूं. तो तेज और राधा मिलके राधा ऑन द डांस फ्लोर फ्रॉम स्टूडेंट ऑफ द ईयर अभी आपके सामने पेश करने वाले हैं. वेलकम तेज एंड राधा. गोपियों संग घूमे कन्हैया रास रचैया राधा न जाए रे अब सांवरा. तेरी चुनरी ओ राधा तेरा गल्ला ओ राधा तेरी नटखट नजरिया ओ राधा तेरा झुमका ओ राधा तेरा ठुमका ओ पीछे पीछे सारी नगरिया ओ राधा तेरी चुनरी ओ राधा तेरा गल्ला ओ राधा तेरी नटखट नजरिया ओ राधा तेरा झुमका ओ राधा तेरा ठुमका ओ पीछे पीछे सारी नगरिया. ढूंढूंगी चारों ओर मिलेगा कोई वो दूंगी मैं हाथों में मेरे दिल की ये डोर. ओ राधा राधा बोली दीवानी है ओ राधा राधा दो पल जवानी है ओ राधा को संभालो कोई ऐसे बता दो कि मिलेगा ना कोई सावरिया. ओ राधा तेरी चुनरी ओ राधा तेरा झल्ला ओ राधा तेरी नटखट नजरिया ओ राधा तेरा झुमका ओ राधा तेरा झुमका ओ पीछे पीछे सारी नगरिया. ये राधा राधा का है इतना गुरूर भला
छोड़ो भी नखरे ये कैसी अदा, तूने क्या सोचा एक तू ही मशहूर यहाँ, लाखों हैं गोपियाँ भी हम पे फिदा। ओ सारी दुनिया ये मानी है, शुरू हमसे तेरी कहानी है। उड़ने तेरे गाना भूलेगा तू सताना, जब हिरूंगी मैं बन के बिजुरिया। ओ राधा तेरी चुनरी, ओ राधा तेरा झल्ला, ओ राधा तेरी नटखट नजरिया, ओ राधा तेरा झुमका, ओ राधा तेरा ठुमका, ओ पीछे पीछे सारी नगरिया। तेज एंड राधा, बहुत बढ़िया, बहुत आनंद आया, और ऑडियंस के कमेंट से ही पता चलता है कि ऑडियंस को भी बहुत ही पसंद आया होगा। तो वंडरफुल परफॉर्मेंस, थैंक यू सो मच फॉर एंटरटेनिंग अस विद दिस सॉन्ग। आगे बढ़ने से पहले, आखिरी गाने की तरफ जाने से पहले, मैं हमारे मेंबरशिप एंड पब्लिक रिलेशंस कमेटी जो इस कार्यक्रम के ऑर्गेनाइजर्स हैं उनकी तरफ से, प्रेमल गांधी हम उनके जो को चेयरपर्सन हैं, उनका एक संदेश वोट ऑफ थैंक्स अभी लेकर आ रहा हूं। प्रेमल भाई प्लीज कम विद योर वोट ऑफ थैंक्स एंड आफ्टर दैट वी विल गो टू द लास्ट सॉन्ग। वाओ, व्हाट अ नाइट। आई एम प्रीटी श्योर ईच ऑफ यू वांटिंग मी विल बी वांटिंग वंस मोर बट ऑल गुड थिंग्स हैव टू कम टू एन एंड सो दैट देयर विल बी समथिंग बेटर समथिंग बिगर फॉर द फ्यूचर एंड आई एम प्रीटी श्योर यू ऑल विल अग्री टू दिस। यस, we need to end somewhere so that there'll be something bigger and better coming in for the future. And I'm pretty sure you would all agree that we need to thank a few people before we leave today. Thank you to the president, office bearers, managing committees, but the person who have been working tirelessly behind the scenes, Suresh sir and his entire team. But bigger than that, you all participants, because you all have taken a lot of efforts. And you all have made sure that we enjoy the night and we will not be able to miss this night in a jiffy. Yes, thank you so much. Thank you from my bottom of my heart and CTC for having this brilliant program. Thank you once again. And I'm pretty sure each one of you would have enjoyed this program from the bottom of your heart. Good night. Thank you once again. Thank you, Premal bhai. And once again, a huge thanks to Chamber for giving this platform for us to have this enjoyment this evening as also last weekend. Really thankful. तो चलते हैं इस शो के आखिरी गाने की तरफ। पिछले शो में लास्ट गाना जो था, एक चार्मिंग लेडी ने प्रेजेंट किया था, राधा ने प्रेजेंट किया था, तो मुझे लगा कि आज का जो भी शो है वो भी दिस शुड बी प्रेजेंटेड बाय अ इट शुड बी एंडेड बाय अ चार्मिंग लेडी। सो वी हैव परिता शाह हु ऑलरेडी हैज कम टू यू टू डू इट्स। सो Parita is now going to end the show with a beautiful solo from the movie Tezab. हम सब जानते हैं माधुरी दीक्षित के बर्थडे के बारे में मैंने पिछली बार बताया था। माधुरी दीक्षित की बात करते हैं तो यही गाना सबसे पहले जहन में आता है, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत में तेजाब से जो बनाया गया था। So here is Parita coming to you with the 1-2-3 girl song, 1-2-3. Welcome Parita.
परिता 1, 2, 3, 15, 16, 17 जो भी बोल लो, गाना तो एकदम बढ़िया था. एक्सलेंट, अ नाइस फिनाले टू दिस इवनिंग एंड थैंक्स टू दिस वंडरफुल ऑडियंस हु हैव बीन हियर, गिवन अस सो मेनी कमेंट्स, एनकरेज्ड अस, एनकरेज्ड द सिंगर्स. थैंक यू वेरी मच. और उम्मीद करते हैं चेंबर के प्लेटफॉर्म में बहुत ही जल्द आपसे मुलाकात होगी एक नए कार्यक्रम के साथ, एक नए सोच के साथ. थैंक यू.